नमस्कार दोस्तों। तो आज आ चुके फिर से एक वीडियो में फोटो एडिटिंग की। तो आज अपन कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग करेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो हमारे वीडियो को पूरा देखना है, वहाँ चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मैं बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो पहले आपको फोटो को शेयर कर लेना है स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं जल्दी से फोटो को शेयर कर लेता हूँ। तो अपनी ये फोटो स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर शेयर हो चुकी है। इसके बाद आपको टूल वाले ऑप्शन पर जाना है, इस पेंसिल वाले ऑप्शन पर जाना है और टून इमेज पर दबा देना है। इसके बाद आपको शेडो को इस तरह से बढ़ा लेना है और एमडीएस को इस तरह से बढ़ा लेना है और हाईलाइट को थोड़ा बढ़ा लेना है और ब्राइटनेस को भी थोड़ा बढ़ा लेना है और डन कर देना है। इसके बाद आपको फिर से टूल वाले आइकन पर जाना है और नीचे जाना है, डबल एक्सपोजर पर दबा देना। तो आपको एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। मैं ऐड वाले ऑप्शन पर दबाता हूँ और आपको बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। इसके बाद आपको इस वाले बूंद वाले ऑप्शन पर दबाना है और इसको फुल कर देना है और डन कर देना है। डन करने के बाद आपको इस एरो वाले ऑप्शन पर दबाना है, व्यू एडिट पर दबा देना है, डबल एक्सपोजर पर दबा देना है, इस ब्रश पर दबा देना है। इसके बाद आपको इसको 100 कर देना है, इस तरह से जूम करके यहाँ कर लेना है। तो अपना ये बैकग्राउंड लग जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह का बैकग्राउंड लग जाएगा। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको डन कर देना है। तो देखिए बिफोर एंड आफ्टर। इसके बाद आपको बैक वाले ऑप्शन पर चले जाना है और आपको फिर से टूल वाले आइकन पर जाना है और नीचे जाना है, डबल एक्सपोजर पर दबा देना है, एड फोटो पर दबा देना है। इसके बाद आपको नीचे जाना है और इस ब्लू ब्लू बैकग्राउंड को ले लेना है और यहाँ से इस पर दबा देना है और आपको सब्जेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको डन कर देना है और एरो वाले ऑप्शन पर दबा देना है, व्यू एडिट पर दबा देना है, डबल एक्सपोजर पर दबा देना है और ब्रश वाले ऑप्शन पर दबा देना है। और इस तरह से आपको इस पर इसको 100 करके इस तरह से फेरना है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। इसके बाद आपको डन कर देना है। मैं डन कर देता हूँ। इसके बाद आपको ब्रेक वाले ऑप्शन पर चले जाना है। तो देखिए बिफोर एंड आफ्टर। इसके बाद आपको फिर से टूल वाले आइकन पर जाना है और टून इमेज पर दबा देना है और नीचे जाना है, शैडो को इस तरह से बढ़ा लेना है, एमनियस को इस तरह से बढ़ा लेना है और हाईलाइट को भी इस तरह से बढ़ा लेना है। इसके बाद आपको ब्राइटनेस को इतना बढ़ा लेना है और डन कर देना है। फिर से टूल वाले आइकन पर जाना है और सेलेक्ट पर दबा देना है और यहाँ से प्रेस वाले ऑप्शन पर दबा देना है और इतना यहाँ कर लेना है, इस तरह से इतना बढ़ा लेना है, यहाँ भी कर लेना है, प्रेस पर दबा। तो मैं यहाँ भी फेस पर भी कर लेता हूँ, इतना करके इसके बाद डन कर देना है। तो देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो आज का वीडियो यही था। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट।